वाइट वाइट मार, वाइट मार छोटे। वेल फर्स्टली तो मैं बहुत खुश हूँ ऑब्वियसली। जब हम एक वेब सीरीज करते हैं तो हमें खुद अंदाजा नहीं था कि ऑडियंस को इतना पसंद आएगा, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड होपफुली हम दोबारा फिर से लौटेंगे। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, बट आई थिंक द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो मुझे मिला है कि उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट एक है, उन्होंने मुझसे कहा कि यू हैव फाइनली शोड अप एज एन एक्टर, तो वो सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं 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 वो जाने दो। हाँ नहीं, अभी मैंने कुछ साइन नहीं किया फिलहाल, बट होपफुली आने वाले दिनों में एक अनाउंसमेंट आता होगा। नॉट रियली, बिकॉज आई मीन ए तो एक फिक्शनलाइज एंटरटेनमेंट वाला शो है, तो आई डोंट थिंक इसे इतना ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। आई एम अ ह्यूज क्रिकेट फैन, बचपन से मैं क्रिकेट खेलते आया हूँ, क्रिकेट देखते आया हूँ, तो आई मीन आई एम नॉट आई स्टिल लव इट द सेम वे। तो ज़्यादा तो नहीं, आई मीन अलग है, इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। आई थिंक आप कंपेयर ही कर सकते हो। जो फिल्म का आपको जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो बहुत अलग है, एंड आई थिंक जो डिजिटल द्वारा आपको एक प्लेटफॉर्म मिलती है वो बहुत अलग है। सो आई डोंट थिंक आप उसे कंपेयर कर सकते हो, बट आई थिंक आने वाले सालों में डिजिटल का रीच बढ़ता ही जाएगा। थैंक यू सो मच। अरे तो वायर मेरा तू ही खराब कर रहा है। एक काम कर, निकाल दिया कर उसके बाद। अरे बार बार निकाल रहा तो तेरा एक्सटर्नल भी आज तो था पीछे ले ना ट्राइपॉड। हाँ ले ले, अच्छा तो बोलता तो ले ले। तो गांड लाइट नहीं लगाया क्या? अभी हिला मत यार, अब कितना है। जान दे हो भाई, तुम लोग काम करो, मेरे खड़ा कर दिया है, रह जाओ यार। अरे बॉडी गार्ड आ रहा था भाई। बॉडी गार्ड की बॉडी गार्ड। वेट 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 चुप। Hello, good, how are you? Thank you. It's not a movie, you know. It's not even a web series. What is it? It's a VOD, video on demand. Okay, it's an original show. I mean, it feels really good. We were very apprehensive because the first time that you know, content like this, which is original content from India, is going to a world audience. But apparently, it's done really well, and that's why we're here celebrating the success. And yeah, it feels really good that you know, the audience has accepted it and apparently really liked it. So thank you all of you for watching it and liking it. Family and friends, my mother really liked it. Most of my friends really enjoyed the show. They had a few points which I think we should incorporate in the next season if we make one. But yeah, I think overall people really enjoyed it, and everyone said that it's a very gripping show. It's very well written, performances are really good. It looks like, you know, it's a large scale production. So yeah, which are all good things. And it looks like, people said it looks like an authentic
show, you know, on the game of cricket, and there's been justice made. So, yeah. Thank you. After Inside Edge, I have two Indo-British films, one of which is The Hungry, and we are going to the Toronto International Film Festival in September. That's the American premiere, so we're really excited about that. Yeah, that's all I can say. हाँ इसी में हाँ हंगरी में ही हमने काम किया वो मेरे फादर का रोल निभा रहे माय कैरेक्टर आई जस्ट टेक दैट फर्स्ट द कैरेक्टर इज माय द कैरेक्टर्स नेम इज लवली नहुजा शी इज दिस 22-year-old गर्ल हु इज एक्सट्रीमली हु कम्स फ्रॉम वेरी रिच family, but there's a lot goes on, but I can't really say because it's a very plot driven, it's an adaptation of Shakespeare's and Titus Andronicus, so it's a very gruesome drama, I can say. So yeah, you guys have to watch it. That's a very random question. अब उसका क्या ही बोल सकते हैं आई थिंक जितना टाइम जा रहा है हम बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं हम बहुत सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं अपनी ज़िंदगी को लेके सब लोग हम मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं और आई थिंक आप जब किसी जैसे आप बोल रहे हैं एक्सीडेंट आप जब किसी के को हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं जैसे पुलिस केसेस होता है ये सब सब डरते हैं कि हम फंस ना जाए वो सब है सो आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम विथ द माइंड सेट एंड आई डोंट थिंक वी कैन डू रियली एनीथिंग अबाउट इट यू नो इट्स व्हाट पीपल फील एंड आई डोंट थिंक गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग इट्स अप टू अस यू नो इट्स अप टू अस व्हाट वी रियली वांट टू डू विद आवर लाइव्स सॉरी I don't think it's a debacle, yeah. When we made the film, it's a very difficult format of a film. The thing is that India mein a reference point nahi hai musical ka. Like, I have grown up watching, you know, the Gopi Gayan series that Satyajit Ray made, but not a lot of, you know, the masses in India haven't really grown up in, you know, watching films like this. So it's a very difficult film. It was a very brave film to make. And I'm really happy that we made the film. And it doesn't matter because I really feel that it's an extremely special film and it had to be made. And I think it's a step forward for Indian cinema. I really believe so. Nahi, I don't think Anurag Basu ekdam bhi responsible hai. I keep saying that he's a mad genius. You know, everyone has their way of working and you can't really criticize anyone because it's a very personal thing. You know, an artist is trying his or her best to create something and you should just give everyone the space they need to be able to make a film the way they want to. And yeah, I think I had a lot of fun and I would love to work with Basu again and again. यार मुझे ना ये पैसों का हिसाब समझ में ही नहीं आता मैं फिल्म करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ क्रिएट करने में और आई थिंक आई डोंट हैव द आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड यू नो सो मे बी येस योर व्हाट यू आर सेइंग इज़ राइट बट इट्स यू नो एवरीथिंग एवरी फिल्म हैज़ इट्स ओन डेस्टिनी एंड आई गेस यू नो दिस इज़ व्हाट जग्गा'ज़ डेस्टिनी वॉज बट इट्स फाइन इट्स टोटली फाइन थैंक यू How much time? Responsibility because
movies get a lot of weightage and you get big stars for a web series. But if it doesn't work, so there's an extra responsibility for the star star cast and the team itself. No, I don't think so, because you know, I think because the medium is so liberating in so many ways that you don't really have to, you know, you're not pressured into by box office expectations and things. So, stars or no stars, I mean, it's the content that is king and that really wins in the end. The process is very similar to making a film. So we prepare and like a film, we shoot it like a film. It's all in one schedule. The only difference is that instead of shooting like a 120 page script, you're kind of shooting a 450 page script. So it's, you know, three times the amount of work, but the process is the same. Sir, Vivek or Hitesh sir, बड़े मस्ती कर रहे तो सेट्स पे आपको उन्होंने परेशान किया? बिल्कुल, और उन्होंने मुझे भी परेशान किया, तो मतलब लेना देना हो गया. बट दे आर थरो प्रोफेशनल्स एट द एंड ऑफ द डे एंड इट वाज ग्रेट फन वर्किंग विद विवेक एंड रिचा. थैंक्स जी. सर, क्रिकेट ये फिक्शनल थी, लेकिन रियल क्रिकेट से आप कितना जुड़ गए इस वेब सीरीज के बाद? इसके पहले मैं एक्चुअली क्रिकेट इतना देखता नहीं था, और जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया तो मैंने मतलब वो पूरा कैरेक्टर जो है क्राफ्ट किया. बॉलिंग की काफ़ी प्रैक्टिस की, काफ़ी इंजरीज हुई, काफ़ी मसल पुल्स और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस कैरेक्टर को निभाने में. और फास्ट बॉलर है तो इसको फिर इसमें चीट भी नहीं कर सकते ज़्यादा कुछ, तो काफ़ी मज़ा आया इसको करने में. सर, हर जगह बॉलीवुड में और नॉर्मल दर्शकों ने इस वेब सीरीज को बहुत सराहा है, तो आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, लोगों ने क्या कहा है आपको ऑल थ्रू सोशल मीडिया एंड स्टफ? वेल, पहली बात तो ये कि लोग मुझे पहचान रहे हैं, आप लोग पहचान रहे हैं, वही बड़ी बात है, क्योंकि जो मैं प्ले कर रहा हूँ वैसा मैं हूँ नहीं वैसे बिल्कुल भी. तो पहली बात तो वो है कि लोगों को मतलब लोग पहचान नहीं पा रहे कि मैं एक्चुअली कैसा हूँ. लोगों को लग रहा है शायद कास्टिंग वैसी हुई है कि कोई गांव से लड़का आया है, या तो वो काफ़ी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए और कि मैं उस किरदार को निभा पाया इस तरह से. तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और काफ़ी यंग हूँ मैं अभी, जस्ट शुरू किया है मैंने ये, मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है. तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ओवरवेलमिंग है पूरी फील्ड. जिस तरीके के आप किरदार में नजर आए हैं जी, ब्यूटी के अंदर, जी सोचा था आपने कि इस तरह इतना प्यार मिलेगा लोगों के? प्यार तो दूर की बात है. पहले तो मैंने सोचा था कि इसको मैं पहले निभा पाऊँ ठीक से. अप्रिसिएशन और प्यार तो वो फिर लोग डिसाइड करते हैं कि उनका फेवरेट कौन है. और अब मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि लोगों ने ये सराहा है, जो किरदार है उसको पसंद किया, उसे कनेक्ट किया है. और जी बस मतलब काफ़ी अच्छा लगता है. इसके बाद और क्या क्या आने वाला है? अब ऐसे कैरेक्टर के बाद फ़िलहाल काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं. टाइप कास्टिंग एक चीज़ होती है, इसी तरह के किरदार सामने आ रहे हैं, पर कुछ अलग करना है, कुछ चैलेंजिंग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे कुछ नया, कुछ चैलेंजिंग चाहिए. जी, मैं तो आशा करता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिए, प्रे करिए कि इसके बाद कुछ हो जाए. फ़िलहाल तो जो है यही है, और सीज़न टू तो है इसका, और मैं तो चाहता हूँ कि हो जाए. सपना था मेरा बचपन से, तो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू बी ए पार्ट ऑफ द बिग स्क्रीन. मेरे इंस्पिरेशन किसी एक जगह से नहीं आते हैं, मेरे इंस्पिरेशन बहुत सारे हैं. किसी इंसान में कुछ अच्छा लगता है, किसी में कुछ अच्छा लगता है. बट जैसे डांस मैंने गोविंदा से सीखा है, रोमांस मैंने शाहरुख सर से सीखा है, और जो पर्सनालिटी, जो इंटेंसिटी है वो अमित सर से. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग तरीके से आई हैं सोर्स हो के. तो मैं एक का तो नाम कहना बाकी लोगों के लिए सही नहीं होगा. तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो बॉलीवुड है ये काफ़ी बचपन से ही मुझे पसंद था और काफ़ी इम्पैक्टफुल था. मैंने जैसे कि कहा कि मैं क्रिकेट इतना मुझे पसंद नहीं है, मैं फुटबॉल ज़्यादा पसंद करता हूँ.
बट फेवरेट क्रिकेटर आई थिंक विराट विराट या विराट कोहली. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बहुत बुरा लगा यार. बहुत अच्छा लगा यार, क्यों मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, फिल्मों में भी काम कर चुका हूँ, थिएटर में भी काम कर चुका हूँ, और एज एन एक्टर एक्सपीरियंस मोर और लेस सेम होता है, कुछ क्राफ्ट का फ़र्क होता है. और बहुत ही अच्छे एक्टर्स थे, बहुत ही अच्छे को एक्टर्स थे, कॉलीग्स थे, दोस्त बने. और क्योंकि इतने लंबे समय तक आप काम करते हो साथ में तो एक परिवार जैसा, फैमिली जैसा कंफर्टेबिलिटी आ जाता है, तो उसमें काम करने में और मज़ा आता है. बिल्कुल भी नहीं. विवेक सर के साथ मेरा कोई सीन ही नहीं था, रितेश सर कभी आया नहीं. और कुछ Yes. So who's going to ask the question then? Achha. Who's asking the question? Should I only ask? Sir. You know, I mean, ये success तो आप कोई measure नहीं कर पाएगा ना, because data किसके पास है नहीं. But जो feedback आया है, which you're seeing, और digital platform पे ही है, और कोई तरीका नहीं है, वहीं से जो information आती है Amazon से. So they've all said that they've got a very positive response, and we're very glad that first show hai, ek original hai, jo India mein bhi first time on this scale has been done. So I'm really glad that it's worked out and people are liking it. Aaj ka okay, I haven't seen it. Honestly, maine dekha nahi because I've just come back last night. So sabse pehle aake inhone mujhe kaha tha ki party rakhni hai. So I think that is it. But I'm sure agar test match acha hua then good luck and hopefully we'll keep winning. फॉर फुकरे फुकरे रिटर्न इज रिलीजिंग ऑन 8th December. बट डॉन लाइक आई सेड लास्ट टाइम भी मुझे पूछा गया, सर वी आर इंटरेस्टेड इन डूइंग इट, वी नॉट लॉक द स्टोरी, बट जैसे ही स्टोरी लॉक हो जाएगी इज इट समथिंग वी वॉन्ट टू डू एंड मेक. येस ऑफकोर्स. स्टेटस ऑफ गोल्ड इट्स बींग शॉट राइट नाउ इन लीड्स एंड इट विल बी डन बाय एंड ऑफ ऑगस्ट इन लीड्स. बाय एंड ऑफ ऑगस्ट लीड्स में स्केड्यूल खलास हो जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट द पंजाब. But that movie is next August. The report is that Akshay Kumar ke sath Dhoni were dikhenge. Haan of course na, wo to first time apne side right information ka hai. So Moni Roy is in the film and she is opposite Akshay Kumar. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. टू बी ऑनेस्ट नोबडी हैड टू रिकमेंड, शी इज टैलेंटेड, यू नो इज टेकिंग अवे समबडीज टैलेंट के किसी ने रिकमेंड किया. शी वॉज एक्चुअली ऑडिशन फॉर द पार्ट, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ऑडिशन दी एंड दैट इज द फैक्ट. एंड आफ्टर दैट ऑडिशन रीमा मी फरहान वी ऑल सॉ इट एंड वी चोज हर, सो अलॉन्ग विद अदर पीपल. तो उनका एक बाकायदा टेस्ट किया गया एंड आफ्टर दैट शी गॉट द पार्ट. सो इट वॉजंट बेस्ड ऑन अ रिकमेंडेशन. अभी ये डॉन की बातें मत करो यार, इनसाइड है. चलो सी यू. हाँ ना जी.
do? What should I do first? वाइट लगाना क्या चाहिए छोटे घर में वन मोर My friend Jitin's, you know Jitin Hingorani? Big battle, we made money. So I have not watched it yet because we've been very busy promoting our film. Last 3 weeks I've just gone into lipstick. But I did meet Karan yesterday and he came to our success party. Sorry. So Karan did come to our success party at Lipstick yesterday and I have promised him that this week I'm going to sit and binge watch Inside Edge. My sister and my brother-in-law sat to watch the episodes and they said that they finished everything in one night. So I'm assuming I'm also going to do the same. Actually, us time because Lipstick ka itna kaam chal raha tha, I didn't realize ki that people were constantly watching it and Inside Edge had become such a huge thing. So, मैं constantly उसके बारे में सुन रही थी. लेकिन मुझे Twitter पे हंसल मेहता का एक बहुत sweet सा tweet आया और उन्होंने specially मेरा नाम mention किया था. और मेरा बहुत छोटा सा role है show में. But I think you know the fact that people are paying attention to the parts and even small parts are being paid attention to. I think that's fantastic. You liked it? अगले 6 महीने मैं एक नया प्ले कर रही हूँ और मेरे 6 महीने उस प्ले के कमिटमेंट में ऑलरेडी जा रहे हैं एंड आई एम क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि वो भी नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह के साथ नया प्ले ओपन हो रहा है एंड सितंबर 1 को हम लोग ओपन कर रहे हैं और हम लोग 30 दिन सितंबर में NCPA में परफॉर्म करेंगे और फिर 30 दिन दिसंबर में पृथ्वी में परफॉर्म करेंगे तो पहली बार इंडिया में ये फॉर्मेट आ रहा है नाटक के तौर पर एंड मैं बहुत प्रो थिएटर हूँ सो दिस ईयर इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू थिएटर सो I don't know. आपके पास कोई फिल्म है? जो मेरे फेवरेट हैं, मेरे बहुत फेवरेट हैं. मुझे नवाज के साथ बहुत 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 वो है कि और मुझे उम्मीद है कि मैं नवाज के साथ काम कर सकूं आगे और इरफान के साथ काम कर सकूं. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत दिग्गज एक्टर्स हैं और मुझे 2-3 ऐसे दिग्गज एक्टर्स और मिल जाए. मैंने वैसे ही बच्चन साहब और नसीर साहब के साथ और रत्ना मैम के साथ काम कर रखा है तो बस 2-3 और बड़े इंटरेस्टिंग एक्टर्स मिल जाएँ तो आई थिंक मेरा पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. थैंक यू सो मच. मैम लेफ्ट में. हाँ या इधर पे भी लेने बोले इधर पे आना जी राइट में एकदम ये कैमरे में एवीएस से पहले वायरल एवीएस से पहले वायरल वन मोर मिला नहीं वन मोर हाँ 1 2 3 गो भूमि मैडम हाँ या शादाब शेख शादाब शेख इसमें भी चलना अभी तू थैंक यू
भाई मजा आ गया भाई, काम पे टाइम पे पीछे से नहीं निकला अभी तक, नहीं बोल रहे थे क्या हुआ? पीछे से निकल रहा, हिला रहे हैं। नहीं सर, विवेक सर, सर बैक बैक सर, विजुअल विजुअल आजा भाई बेले। हाय गाइस, सॉरी यार दूसरे फंक्शन से आ रहा था, ज़्यादा लेट हो गया। या थैंक यू यार, सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी चल रही है, मैं काफ़ी लेट आया हूँ, दूसरे फंक्शन के लिए गया था, वो आज अल्टीमेट टेबल टेनिस का सेमीफाइनल था तो वो लॉन्च करने गया था, उसे सपोर्ट करने गया था, तो वहाँ से आते आते थोड़ी देर हो गई है, लेकिन अंदर जाके खूब आज पार्टी करना है, खूब एंजॉय करना है, इनसाइड एज का पूरा सक्सेस इनसाइड जाके मनाना है। हाँ ऋचा भी मेरे साथ फ़ोन पे लगी हुई थी कि कौन पहले पहुँचेगा, तो और फरहान भी आज लेट हो गए हैं, तो देखना पड़ेगा आज सबसे लेट कौन आता है उसको सबसे बड़ा प्राइज मिलेगा लगता है। हाँ यार बहुत खुशी हो रही है, जब भी आपके काम की तारीफ होती है, आपके फिल्म की, आपके शो की तारीफ होती है तो अच्छा ही लगता है, पूरी दुनिया में जिस तरह से इसका एक बज़ क्रिएट हो गया है, ये एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी कि उन देशों में भी जहाँ पे हमारी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, क्रिकेट के बारे में कोई जानता नहीं है, इटली जैसे देश, पोलैंड जैसे देश, वहाँ पे भी ये फिल्म, ये शो जो है इनसाइड एज बहुत बड़ी सक्सेस हुई है, हिंदुस्तान में तो बहुत ज़बरदस्त नंबर्स आए हैं, अमेज़ॉन ने एक प्रेस रिलीज निकाली है कि इट इज़ ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स, तो बहुत मज़ा आया है एंड इट्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग सो अमेजिंग। अगर मैंने इनसाइड एज प्रोड्यूस की होती तो मैं इतना पैसा बना लेता कि मैं एक क्रिकेट टीम खरीद लेता, बट हाँ यार एक्साइटमेंट तो है ही कोई भी स्पोर्ट्स टीम का पार्ट होने में, एक मुंबई मैवरिक्स के अंदर जो इनसाइड एज की क्रिकेट टीम है उसका तो मालिक हुई, सो आई विल हैव फन एंड एंजॉय दैट फॉर राइट नाउ। मैंने एक अपनी अभी एक बहुत बड़ी तमिल फिल्म की है विवेगम, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनली शॉट एक्शन थ्रिलर है, स्पाई थ्रिलर फिल्म है, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, अजीत कुमार के साथ जो वहाँ के एक लेजेंडरी सुपरस्टार हैं, और वो फिल्म रिलीज़ होगी अगस्त के महीने में, उसके पोस्टर को भी लेके काफ़ी चर्चा हुई है, उसके गाने बहुत हिट हो गए हैं ऑलरेडी तमिल इंडस्ट्री में, और अभी थिएट्रिकल ट्रेलर का भी बहुत उत्साह है लोगों में, तो उसका भी बहुत मज़ा आ रहा है, आई बी प्रमोटिंग दैट इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड होपफुली दैट फिल्म विल रिलीज एंड डू वेल। किशन जल्दी, ये 3 अगस्त को रिलीज होने वाला है, 3 अगस्त को रिलीज करने वाला है ट्रेलर जी। नहीं ऑफ कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आपने, दोनों असम गुजरात दोनों जगह बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई है, फ्लड्स आ गए हैं, और मुंबईकर को सभी को याद है जब मुंबई में जब फ्लड्स आए थे तो कितनी बुरी हालत हुई थी, तो हमें सबको मिलके, पूरे हिंदुस्तान को मिलके, हमारे दोस्त जो हैं असम में और जो गुजरात में हैं उनके लिए कोई ना कोई रिलीफ का काम करना चाहिए, मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि किस तरह से इसमें जुड़ जाएं और किस तरह से गवर्नमेंट की, प्रशासन की, लोगों की, एनजीओस की किस तरह से हाथ बढ़ाया जाए अच्छे काम में जी 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 जी। नहीं बहुत खुशी हुई है कि पकड़ा गया है और बहुत अच्छा लगा कि इतना स्विफ्ट एक्शन लिया गया है। ग्रैंड मस्ती के जहाँ तक बात थी, पूरा सिस्टम नया था तो सीखना, समझना किस तरह से लीक हुई है, उस लीक को रोकना, उसमें बहुत टाइम लग गया और जब तक हम कुछ कर पाए तब तक डैमेज हो चुका था, पर उसकी वजह से एक सिस्टम सेट हो गया और INB मिनिस्ट्री बहुत सीरियस है, राज्यवर्धन राठौर जो बहुत यंग और डायनेमिक मिनिस्टर हैं वो इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, और आई थिंक उन्होंने इस पर बहुत बढ़िया काम किया हुआ है एंड आई विश देम द बेस्ट, इस तरह से ऐसे सहयोग मिलेगा, सपोर्ट होगा, पायरेसी को रोकने में हम कामयाब होंगे और जो लोग पायरेसी कर रहे हैं उन्हें पकड़ने में कामयाब होंगे, तो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत फ़ायदा होगा। टॉयलेट एक बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत पावरफुल मैसेज है,
अकी ने एक बहुत ही बढ़िया एक कदम उठाया है इस फिल्म के ज़रिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे देश को एंटरटेनमेंट के माध्यम से देने का, तो उस फिल्म को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम सब सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी सपोर्ट कीजिए और पारसी को सपोर्ट मत कीजिए प्लीज़। जी है, लेकिन अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को प्रेरित करेगी और उससे एक फिल्म में परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी है, उसे एक फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं ऑलरेडी उस पर करीबन 8-9 साल से काम कर रहा हूँ और इतनी कहानियाँ सिर्फ कही सुनी नहीं, देखी भी हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट चलता है वृंदावन में, नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे हमारे 3 स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो अब्यूज्ड बच्चे हैं जिन्हें फिजिकली सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, खासकर छोटी बच्चियाँ, 5 साल से 15 साल की उम्र की बच्चियाँ जिन्हें गांव से चुराया जाता है और मंडियों में बेचा जाता है, उन बच्चियों को हम रेस्क्यू करते हैं। तो इतनी सारी कहानियाँ हैं और कभी कभी अंदर की जो एक इंसानियत है वो हिल जाती है देख के कि ह्यूमन बीइंग्स ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होप जारी रखनी पड़ती है। उन्हें हम पढ़ा लिखा कर कुछ लाइफ में एक मौका, एक चांस, एक नया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं। अब 2000 के करीब बच्चियां हैं जिनको हम फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर देते हैं, तो उसी में इतनी सारी स्टोरीज़ हैं। मुझे पक्का है कि किसी एक दिन कोई एक कहानी को फिल्म पर ज़रूर लाऊँगा। मुझे लगता है ये बहुत पर्सनल कॉल है, ये फैमिली का कॉल है, माँ बाप का कॉल है, उनका डिसीजन है। बहुत सारी चीज़ें बहुत बुरी हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना, एरिएटेड ड्रिंक्स पीना वो बच्चों के लिए बहुत बहुत बुरा है। अब आप उसे बैन कर देंगे या फिर आप उसे एक माँ बाप का डिसीजन और अवेयरनेस के ऊपर छोड़ेंगे, ये एक सोशल डिसीजन है। उकरी रिटर्न्स के बारे में यही कहूँगा कि बड़ा मज़ा आया यार फिल्म बनाते हुए, एंड ऑब्वियसली टू प्ले चूचा अगेन, दैट वाज माय डेब्यू फिल्म फुकरे, एंड वो चूचा का जो कैरेक्टर था वो मेरा डेब्यू कैरेक्टर था। टू प्ले दैट अगेन आफ्टर 3 इयर्स, इट वाज रियली नॉस्टैल्जिक, एंड टू बी विद ऑल द फुकरा बैक अगेन ऑन द सेम सेट, तो बहुत मस्ती करी है, बहुत फन किया और बहुत एक ट्राई करा है कि बहुत और ज़्यादा एंटरटेनिंग और ज़्यादा फनी और ज़्यादा इन्जॉयबल फिल्म बनाने के लिए, जो कि 8 दिसंबर को आएगी। एंड जिस तरह से आई थिंक पहली फुकरे को लोगों ने प्यार दिया है एंड दे लाइक्ड इट, आई जस्ट होप दे लव द फुकरे रिटर्न्स द सेम वे। इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल यार, आई थिंक इवन द होल द वे दे शॉट इट एंड द होल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ द शो एंड द वे इट्स कम आउट, आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल, एंड आई थिंक ऑल द एक्टर्स ऑल्सो हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, एंड आई थिंक तनुज, ऋचा, विवेक सर, आई थिंक एवरी वन इज जस्ट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इन द शो। यार मैं तो वैसे मैं क्रिकेट मेरे को मैं बहुत अच्छा क्रिकेट देखता हूँ और मुझे मैं बहुत अच्छा देख सकता हूँ, मैं खेलता नहीं हूँ क्रिकेट। एक बारी मैंने क्रिकेट खेला था तो मुझे बेस्ट मिस फील्डिंग का भी अवार्ड मिला था, बट आई थिंक कंग्रेचुलेशन यार ऑफ कोर्स, एंड इट्स अ वेरी हार्ड गेम एंड ऑल द वेरी बेस्ट। विराट कोहली यार, आई लव हिम, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट क्रिकेटर दैट वी हैव टू प्ले। यार भाई अगर मैंने अभी बता दिया ना तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे, बट आई थिंक नहीं, बट एक बात की श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ कि हनी, चूचा, लाली, जफर, भोली, पंजाबन, पंडित जी सारे वापस आ रहे हैं और सारे एक यार अभी भाई ये तो मतलब इतने मुश्किल सवाल तो नहीं पूछ सकते आप, नहीं बट और ज़्यादा फन है और ज़्यादा मज़ेदार है, और हमारा जो टीज़र है वो भी अभी थोड़े टाइम में आ ही जाएगा तो सब आपको पता ही चल जाएगा, बट इतना मैं गारंटी कर सकता हूँ कि वो जो झाम फाड़ फन था जो पहली में था वो दूसरी में भी है। हाँ भाई 2 से तो बोलूँगा तो समझो, बट भाई भाई मेरा ना एक सपना है, जब हमारा कॉलेज का पहला दिन होगा ना दोनों भाई घोड़े पे जाएंगे कॉलेज, तू सफ़ेद घोड़े पे, मैं काले पे, दोनों ने काला चश्मा, लाल शर्ट और काली पैंट पहनी होगी, भाई लड़कियाँ मर मिटेंगे हम दोनों पे। थैंक यू भाई।
सर पूरा होएगा सपना, सपना पूरा है। थैंक यू वरुण। सर जी मैं फिलहाल हूँ वेब सीरीज में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। Do you wanna ask me something else? It was Inside Edge में काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। XI Entertainment मेरे लिए एक बहुत ही खास कंपनी है, बिकॉज आई डिड माई वेरी फर्स्ट फिल्म विद दैम, सो इट वॉज ग्रेट टू डू माई फर्स्ट इंडियन वेब सीरीज विद दैम टू। हाँ मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं मेरे परफॉर्मेंस पर, और इन फैक्ट जस्ट एज द शो एज अ होल, द फैक्ट दैट इट्स edgy and it's different, and I feel very blessed to be a part of this sort of new wave of web series. Thank you. बोलिए सर। अभी तो खैर ये इनसाइड एज है, काफ़ी उसकी सक्सेस पार्टी है। आई एम डूइंग टाइगर जिंदा है विद YRF, उसकी शूट चल रही है। वी गो लीव डे आफ्टर फॉर अ 45 डेज स्केट, वी हैव अ 22nd डिसम्बर रिलीज। आपने देखा है? पहले देखिए, अप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिला है, काफ़ी यंगस्टर्स ने देखा है, स्पेशली दी एज ग्रुप बिटवीन 15 to 30। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं बिकॉज Amazon Prime launched into this country with Inside Edge, और बहुत पसंद आया लोगों को। इंशाल्लाह काफ़ी और सीजन्स बनेंगे। Inside Edge आप देखना। रियल लाइफ में अभी तो खैर जो सीरीज़ श्रीलंका के अगेंस्ट चल रही है, वी वन द फर्स्ट टेस्ट मैच, बॉयज़ हैव डन प्रीटी वेल, शेखर धवन डन वेल, विराट कोहली इज़ गॉट 100, सो इट्स अ ग्रेट सिनर्जी, इट्स ग्रेट टू सी न्यू बॉयज़ कम इन। विंग्स में जो बैठे हैं ऋषभ पंत इज़ ट्राइंग टू गेट इन एंड इज़ अ फैबुलस प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, सो यूथ है, और आई थिंक 2019 में यूथ ही हमें आगे लेकर जाएगी वर्ल्ड कप के लिए। क्या क्या लास्ट क्वेश्चन,
Yes. Sorry to keep you waiting. कोई सवाल नहीं है? अच्छा। आज के शाम के बारे में सबसे पहले congratulations आपको भी। तो आज के शाम के बारे में क्या सोच? अच्छा, हम लोग celebrate करेंगे success। बस। बहुत जल्दी से celebrate हो रहा है। जल्दी तो नहीं। 10 जुलाई से अभी तक महीना खत्म होने को आया। आप फिल्मों की सक्सेस पार्टी में नहीं जाते जो 3 दिन में हो जाते हैं? आगे बोलिए। सीजन 2? हाँ, आई थिंक वो प्रोड्यूसर से सवाल वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि राइटिंग कितनी कमीशन हुई है। मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब रिव्यूज़ अच्छे आते हैं, और इस बार शो बहुत पॉपुलर भी हुआ है। नॉर्मली जैसी फिल्में मैं करती हूँ उनमें रिव्यूज़ अच्छे आते हैं, पर इतना पॉपुलर नहीं होता, तो मैं बहुत खुश हूँ। पहली बात तो मेरे दोस्त, ये वेब सीरीज़ है नहीं, इसको बोलते हैं VOD, यानी वीडियो ऑन डिमांड। और सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे कलाकारों का रुझान इसी तरफ जाएगा, क्योंकि अब फिल्म बनाना, खासकर छोटी फिल्म बनाना, बहुत मुश्किल हो गया है। उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गया उसको रिलीज़ करना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है उस पर प्रॉफिट कमाना। बड़ी फिल्में, बहुत सारी बड़ी फिल्में भी काफ़ी बड़ी फ्लॉप्स हो चुकी हैं, और उसका इम्पैक्ट सब पे आता है। तो आई थिंक स्टोरी कहने का एक नया तरीका है, और सेंसरशिप से हम अभी तक बचे हुए हैं, शायद इसलिए भी। डिजिटली लेवल बढ़ते जा रहा है। देखिए, अमेज़ॉन ने भी एक्सेल एंटरटेनमेंट को चूज़ किया, जो अपने क्लासी कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। तो मेरी बस ये उम्मीद है कि जैसे हम फॉरेन के शोज़ देखते हैं, एक दिन ऐसा आए कि लोग इंडियन शोज़ भी देखें पूरी दुनिया में। अब मैंने आज ही रीट्वीट भी किया था, आमिर खान सर ने आई थिंक एक ट्वीट बनाया है कि असम और गुजरात दोनों में फ्लड्स बहुत बुरे आए हैं, लोग बहुत गंभीर तरह से अफेक्टेड हैं, तो प्लीज़ दिल खोल के CM रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करिए। और आई होप कि ये जो सालाना फ्लड जाते हैं, इससे हम ये सीखें कि हमारा जो इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट है, कभी बॉम्बे में आता है, कभी असम में आता है, कभी गुजरात में आता है, पहले चेन्नई में आया था, तो हम अपने शहरों को किस तरह बना रहे हैं, हम कितना प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, हम कितने पेड़ काट रहे हैं, उस सब का एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होता है जिसके कारण फ्लड्स होते हैं। तो द बेस्ट थिंग इज़ टू प्रिवेंट, यू नो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योरिंग। हाँ, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर मर्दों को पीरियड आता तो ज़रूर सैनिटरी नैपकिन पे बिल्कुल टैक्स नहीं होता। थैंक्स। भाई, अपील है कि सैनिटरी नैपकिन स्पेस जो 12% का टैक्स है उसे हटाया जाए। इट्स नॉट अ लग्जरी आइटम, इट्स अ नेसेसिटी फॉर एवरी वुमन, एंड यू हैव ऑल कम आउट ऑफ वुमेन, सो प्लीज रिस्पेक्ट दैट। ऑलराइट, थैंक यू।